थाना मलपुरा के बालाजी गार्डन में आज राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व नागरिक व उड्डयन मंत्री भारत सरकार चौधरी अजीत सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर माल्या अर्पण कर उनकी बातों को याद किया व उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान व लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरा मामला आगरा जगनेर रोड स्थित बालाजी मैरिज होम का है। बालाजी मैरिज होम में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कप्तान सिंह बगौर के नेतृत्व में सैकड़ों लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी अजीत सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि को धूमधाम से मनाया। पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जिस प्रकार भाजपा सरकार में समय गुंडाराज चरम पर है, इस गुंडाराज को उखाड़ देना है। आज भाजपा की सरकार ना तो किसानों की सुनती है और ना ही पहलवानों की। अगर किसान और पहलवान को अपनी आवाज बुलंद करनी है तो वर्तमान सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकना होगा। साथ ही साथ उन्होंने चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी कार्यकर्ताओं को उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। पार्टी के पदाधिकारियों ने किसानों से कहा कि जिस प्रकार चौधरी साहब लगातार भारत को हरित राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वह सपना अब कहीं अधूरा लग रहा है। आज हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव कप्तान सिंह भगौर, जिला उपाध्यक्ष केपी सिंह चाह, रूपेश भगौर, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सिंह, वीरेंद्र काका, देशराज सिंह, गिरिराज सिंह, रूप सिंह, विजेंद्र सिंह, साक्य, सोनवीर सिंह आदि मौजूद रहे। अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम बालाजी मैरिज होम में रखा गया है? मेरा नाम रूपेश सिंह बगौर है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला सचिव हूँ और आज हमारे श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है और 6 मई 2021 में हमें छोड़ के चले गए और उनके अंतिम शब्द थे चौधरी जैन जी के लिए कि इस क्षेत्र में या किसानों के लिए ना गवाह है ना इनका कोई हिमायती है और आप इनके साथ खड़े रहना। और हमारे चौधरी अजीत सिंह ने उद्योग मंत्री रहते हुए किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। तब चीनी मिल 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में हुआ करती थी तो उन्होंने उसको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में करने का काम किया। इससे आज हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चार साहब, आज अजीत सिंह जी का द्वितीय पुण्यतिथि कार्यक्रम में कहां पर आयोजन है, कैसा आयोजन है? जय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का जो कार्यक्रम हमने गांव मलपुरा बालाजी गार्डन में रखा है जिसमें सैकड़ों किसान हमारे आए हुए हैं, सभी ने माला अर्पित की। लगातार राष्ट्रीय लोकदल किसान हित की बात करती है, आज किन मुद्दों को किसानों के बीच में रखा गया है? तो आप देख रहे हैं किसानों को कितना परेशान किया जा रहा है, ना कोई MSP मिल रही किसानों को। यहाँ देखो किसान धरने दे रहे हैं कि सरकार में ना तो किसान बचा, ना जवान बचा, ना पहलवान बचे, जिन्होंने सभी को सताया है। अभी भी देख लो आप, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, जो ओलंपिक के गोल्ड मेडल देश के लिए लाए उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहलवानों की आप बात कर रहे हैं, लगातार जयंत चौधरी पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पहलवानों के बारे में आप अपने जिला स्तर से? जिला स्तर से हम, मैं राष्ट्रीय सचिव हुआ कप्तान बगौर और हमारी पूरी टीम, जिला स्तर की पूरी टीम पहलवानों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी जी 2-3 बार पहलवानों के वहाँ मिलकर भी उनका समर्थक दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पहलवानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ठीक, पाता दर्पण न्यूज़ के लिए शेखर पंडित की रिपोर्ट।